वेलकम टू बैक आवर चैनल दीप मैन यूट्यूब और उम्मीद रखता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा कि जो गूगल एडसेंस पिन है कैसे आता है उसका, मतलब क्या कुछ प्रोसेस होता है, मतलब गूगल एडसेंस पिन मंगवाने के लिए मतलब उसका क्या कुछ प्रोसेस होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं डिस्कस करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि जो गूगल एडसेंस पिन होता है वो कैसा होता है देखने में। तो मेरे पास में जैसा कि आप देख रहे हैं गूगल एडसेंस पिन है, काफ़ी टाइम पहले मेरा आ चुका था। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका जो प्रोसेस होता है वो मतलब कैसे स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता है कि जब आप YouTube के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले AdSense पर $10 कंप्लीट होने चाहिए। Google AdSense पर $10 कंप्लीट होने से पहले भी कुछ YouTube का प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने आज ही हमारा चैनल स्टार्ट किया और हमने धीरे धीरे क्या किया, वीडियो अपलोड की, जैसे कि हमारे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए और 4000 घंटे पूरे हो गए। उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा चैनल होता है मोनोटाइज के लिए अनेबल होता है। तो सबसे पहले ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे कि आपके 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे, 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपका चैनल मोनोटाइज हो जाएगा। मोनोटाइज होने के बाद में जब आपके $10 गूगल एडसेंस पर, न कि वाई टी स्टूडियो पर नहीं फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस पर क्या होता है कि करेक्ट दिखाता है, जो उसका टाइमिंग फिक्स होता है कि उसी टाइम के दौरान वो गूगल एडसेंस पर आपके जो $10 कंप्लीट दिखा देगा। वॉइस की स्टूडियो में क्या होता है, थोड़ा लेट अपडेट आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम गूगल एडसेंस पर चेक करते हैं, वहाँ पर करेक्ट टाइम का जो अपडेट मिलता है हमें, तो वहाँ पर बिल्कुल सही दिखाएगा कि हाँ आपके $10 हो चुके हैं, आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए कुछ नियम, कुछ बातें होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी अकाउंट नंबर डिटेल, या फिर ये सारी बातें कब होंगी, जब आपके हाथों में ये गूगल एडसेंस पिन आ जाएगा तब आप मित्रों आगे की जो कार्रवाई कर सकेंगे। तो गूगल एडसेंस पिन कैसा होता है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और इसका जो आने का जो सेटअप है, क्या क्या सेटअप क्लियर करने होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाद में जैसे कि लिखा हुआ है सेटअप वन में क्या करना पड़ेगा आपको, सेटअप टू में क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में सेटअप थ्री, उसके बाद में सेटअप फोर, चार सेटअप होते हैं इसके अंदर, जैसा कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके का जो पेज होते हैं, इनका जो लोगो होता है कुछ ऐसा ही लोगो होता है, और इसके ऊपर भी जो आपने मतलब अपने जीमेल में या फिर अपने यूट्यूब के ऊपर जो भी अपने अकाउंट में डिटेल दी हुई है, तो वही डिटेल आपकी सेम आपके जो गूगल एडसेंस पिन है उसके ऊपर शो कर देगा। और अंदर भी कुछ लिखा होता है, गूगल एडसेंस पिन है यहाँ पे, जो मेरा पिन है ये थोड़ा दोस्तों सेफ्टी के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो कई फ्रेंड्स मतलब क्या है इसको शो भी कर देते हैं, लेकिन मैं बेटर समझता हूँ कि आप ये थोड़ा प्राइवेट रखें तो बेटर रहेगा। तो जैसा कि मैंने इसके ऊपर बताया कि चार सेटअप होते हैं, चारों सेटअप आप आराम से मतलब कंप्लीट कर सकते हैं गूगल, जब आपके हाथों में गूगल एडसेंस पिन आ जाता है तो चार जो सेटअप होते हैं वो आप आराम से इसको ऐसे आप, जब ये मेरा गूगल एडसेंस पिन आया था तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। तो अगर आपको गूगल एडसेंस के लिए कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझसे आप जो भी बात पूछना चाहे तो मैं आपको बिल्कुल आराम से बता सकता हूँ। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा न ले जाते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। इससे बोलता हूँ मैं फ्रेंड्स कि ये गूगल एडसेंस पिन तभी आएगा जब आप सबसे पहला जो सेटअप होता है यूट्यूब का, 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइब पूरे करें, उसके बाद में हमारा चैनल मोनोटाइज होता है, एड्स आने लगती है, और $10 हमारे गूगल एडसेंस पर कंप्लीट एडसेंस पिन के लिए। ये कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो यही था आज का टॉपिक, तो उम्मीद है सभी को अच्छी लगी होगी। जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल दीप नैन यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए।